पूरा जोर पकड़ लिया है। कल गुरुवार को भी दो सियासी दिग्गज चुनाव मैदान में प्रचार के लिए उतरेंगे। पीएम मोदी जबलपुर में सभा को संबोधित करेंगे तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी धार में हुंकार भरेंगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत पूरे उफान पर है। चुनाव की तारीखों का भले ही अभी ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने चुनावी रणभेरी बजा दी है। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। 5 अक्टूबर को फिर वो मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रही है। इधर एमपी में कांग्रेस की कमान राहुल और प्रियंका गांधी के हाथों में है। 5 अक्टूबर को ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश आ रही है। दोनों सियासी दिग्गज अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। बता दें कि 5 अक्टूबर को पीएम मोदी जबलपुर का दौरा करेंगे, जहां वे 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली रानी दुर्गावती स्मारक का भूमि पूजन करेंगे। पीएम जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आम सभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं प्रियंका गांधी धार जिले में जाएंगी, जहां वो सरदारपुर के जैन तीर्थ मोहन खेड़ा में दर्शन करेंगी। प्रियंका टंटिया मामा की मूर्ति का भी अनावरण करेंगी। उसके बाद वो राजगढ़ की मेला मैदान में जन आक्रोश रैली को संबोधित करेंगी। गुरुवार को जबलपुर में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में थी। पीएम की सभा के लिए गैरिसन ग्राउंड में भव्य पंडाल बनाया गया है। ग्राउंड और पंडाल के बीचों बीच एक रोड भी तैयार की जा रही है, जिस पर प्रधानमंत्री का काफिला आम जनता के बीच से होकर मंच तक पहुंचेगा। सबसे खास बात यह है, जो अब तक जितने भी कार्यक्रम यहाँ पर हुए हैं उसमें इस तरह की रोड नहीं बनाई गई है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जबलपुर आएंगे तो इसी रोड से होते हुए वो जनता के बीच जाएंगे और जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इस रोड से आप देख सकते हैं कि ये अस्थाई एक रोड यहाँ पर डेवलप की जा रही है, जो काफी लंबी है और यहाँ पर जिस तरीके की प्लानिंग है कि यहाँ से कार के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इस अंदर आएगा और पंडाल के बीचों बीच आम जनता के बीच पहुंचेगा, जिसके लेकर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बड़ी विशाल यहां पर पंडाल बनाकर तैयार किया गया है। 50,000 से ज्यादा लोगों के आने की यहां पर उम्मीद है। संभाग स्तरीय तैयारियां यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर की जा रही है। और चूंकि 5 अक्टूबर को हो रहा है, चूंकि 5 अक्टूबर को रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती है और इस 500वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले रानी दुर्गावती स्मारक का भूमि पूजन भी करेंगे। प्रधानमंत्री की सभा को लेकर कार्यक्रम स्थल के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कमान संभाली है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। जबलपुर शहर को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। 5 अक्टूबर की रात तक किसी भी तरह का यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो सकेगा। इसकी पूरी जो तैयारी है, पूरी जो सुरक्षा है वो एसपीजी कर रही है और स्थानीय स्तर पर पुलिस प्रशासन कर रहा है। इधर धार जिले के मोहन खेड़ा ग्राउंड में भी प्रियंका गांधी के 5 अक्टूबर को होने वाली जन आक्रोश रैली की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। राजगढ़ के मेला मैदान में विशाल मंच बनाकर तैयार किया गया है। दावा किया जा रहा है कि करीब 1,00,000 लोग प्रियंका की सभा में शामिल होंगे। 5 तारीख को हमारे जहाँ पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी आ रही है, पहले वो हेलीपैड पे आएंगे, उसके बाद में वहाँ पर राजेंद्र सूर्यजी महाराज के गुरु जी के दर्शन करेंगे, वहाँ के ट्रस्टियों से, देश के ट्रस्टियों से मुलाकात करेंगी, उसके बाद में नगर परिषद द्वारा स्थापित टंटिया मामा की प्रतिमा का अनावरण करेगी, उसके बाद में यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय को की सभा संबोधित करेगी। बता दें कि पिछले 6 महीने में प्रियंका गांधी 3 बार और पीएम नरेंद्र मोदी तकरीबन 8 बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में इन सियासी दिग्गजों का लगातार दौरा ये बताता है कि विधानसभा लोकसभा चुनाव के नजरिए से इस सूबे की कितनी अहमियत है। जबलपुर से दुर्गेश और धार से नरेंद्र के साथ टीम न्यूज स्टेट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को मध्य प्रदेश दौरे पर आ रही हैं। धार जिले में वो एक सभा को संबोधित करेंगी। इसके साथ प्रियंका आदिवासी जननायक टंटिया मामा की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगी। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस नेता शोभा ओझा से बातचीत की हमारे सहयोगी अतुल शर्मा ने। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मध्यप्रदेश दौरे पर आ रहे हैं और धार में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शोभा ओझा जी। हमसे बात करते हैं, मैम, प्रियंका गांधी आ रही हैं, किस तरह की तैयारी? देखिए, बहुत ही उत्साहित हैं, जनता भी उत्साहित है तो हमारा कार्यकर्ता भी उत्साहित है। प्रियंका जी धार जिले में आ रही हैं, आदिवासी जिला है, आदिवासी सशक्तिकरण के, आदिवासियों की लड़ाई के लिए, चाहे वो जमीन की, जंगल की, जल की लड़ाई हो, सब में प्रियंका गांधी जी और गांधी परिवार और कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी बहुत ही सजग होकर लड़ाई लड़ी है, तो लोगों में बहुत उत्साह है और बड़ी तादाद में लोग उनको सुनने के लिए आएंगे और निश्चित ही प्रियंका जी के इस दौरे से कांग्रेस और मजबूत होगी। मैम, देखने को मिल रहा है राहुल गांधी की हम बात करें, पिछले सभा में आए ओबीसी को लेकर खासा फोकस किया, जातिगत जनगणना को लेकर भी कांग्रेस विशेष फोकस कर रही है, क्या सभा में भी इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल पाएंगी? देखिए, कांग्रेस ने हमेशा से हर उस वर्ग की लड़ाई लड़ी है जो कमजोर है, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, सबकी लड़ाई लड़ी है। देखने को मिल रहा है कि प्रियंका गांधी जी के ज्यादा यहाँ पे दौरे हो रहे, राहुल गांधी जी की अपेक्षा आधी आबादी पे ज्यादा फोकस है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, अभी तो चुनाव चालू हुआ है, सबके दौरे होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के भी होंगे, प्रियंका जी के भी होंगे, राहुल जी के भी होंगे, और क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है तो सब नेता मिलकर हर राज्य में जाएंगे, तो आधी आबादी तो हमेशा से हमारी रही है, क्योंकि केवल चुनाव के दौरान आधी आबादी का ध्यान हम नहीं रखते हैं, आधी आबादी की लड़ाई हम लड़ते आए हैं, सतत लड़ते आए हैं, और उसी का परिणाम है कि आज 15 लाख से ज्यादा महिलाएं नगर पालिका, नगर निगम, पंचायतों में पूरे देश में काम कर रही हैं। ये थी शोभा ओझा जी। प्रियंका गांधी मध्यप्रदेश दौरे पर फिर से रहेंगी और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि धार की धरती से एक बार फिर से प्रदेश सरकार के ऊपर हमला बोलेंगी। हालांकि जिस तरीके से जातिगत जनगणना और ओबीसी को लेकर लगातार कांग्रेस ने मोर्चा खोला है, तो सीधे तौर पर यह कयास जरूर लग रहे हैं कि मंच से एक बार फिर से ओबीसी और जातिगत जनगणना को